नैनों की जो बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों रहना जाने है, दिल की बात धड़कन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातो जन्म, तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातो जन्म। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि बनेगा भैया एल्डोल, जिसका नाम है गामा हाइड्रोक्सी प्रोपेरल्डिहाइड, नहीं प्रोपेनी पेंटेरल्डिहाइड, क्योंकि ये पेंट है ना, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंटेरल्डिहाइड, ये भी एल्डोल है, कीटोन के साथ भी आप करा सकते हैं, नो टेंशन, ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम कराएंगे एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ में। तो बोले सर जी एक काम कराओ, रिएक्शन करा लो ना फेलिंग विलियन के साथ। किसके साथ? फेलिंग विलियन। चलो फटाक से डालो फेलिंग विलियन, फेमस है ये विलियन, ठीक है, ज़्यादातर जगह मिले आपको फेलिंग विलियन से अभिक्रिया। फेलिंग विलियन से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड क्या बनाता है? चलो देखो सबसे पहले ले लो CH3CHO, ले लिया, ठीक है, CH3CHO ले लिया। अब एक फेलिंग विलियन ले लो, फेलिंग विलियन ले लो तो करेंगे गुरु जी Ag2O, ठीक है। Ag2O को तो टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं यार, Ag2O को क्या कहते हैं? टॉलेन अभिकर्मक। तो फिर किसको कहते हैं फेलिंग विलियन? CuO को कहते हैं फेलिंग विलियन, ठीक, कोई दिक्कत, नो टेंशन। यहाँ से भाई साहब ये क्या बनाएंगे? तो कछु बढ़िया चीज़ बनाओगे का सोचता नहीं। हाँ ये देखो क्या 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 यहाँ से कुछ तो बनाएंगे बढ़िया से। CuO यहाँ से ये क्या करेगा, फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन करेगा। देखो भैया यहाँ से ना इसको दो लेना पड़ेगा, ये बात सही बताई आपने। यहाँ से मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, वाह, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं। अब देखो इसके बाद जस्ट हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो क्यों और क्या भाई, यहाँ से क्या होता है एक ऑक्सीजन इसको छेड़ देता, एक ऑक्सीजन दे दिया इसने, कोई टेंशन नहीं, दो CuO बच गए, Cu2O बन जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH, बहुत बढ़िया सा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब चलो दूसरी इस पे हटिंग डाल दें तो लिखेंगे टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है देख लीजिएगा। टॉलेन अभिकर्मक से कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3CHO प्लस कर देंगे हम यहाँ पर Ag2O, Ag2O को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। अब टॉलेन अभिकर्मक तो कसम खाई, जब भी आएंगे बेटा रजत दर्पण बनाएंगे, ठीक है, जब भी आएंगे तो रजत दर्पण बनाएंगे, ये होगा 2Ag, ठीक है, 2Ag निकल गया, एक ऑक्सीजन इसके अंदर घुस जाएगा झड़म्ब से, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक, वाह भाई वाह क्या बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की दो विधि हमने ठीक ठाक सुंदर सुंदर प्राप्त कर ली। अब बोले गुरु जी एक और बता दो, अब चेन वाली बढ़िया सी, अरे कुछ नहीं था उसमें यार, उसमें मैंने बताया था, देखो जैसे अब चेन कराना मान लो, ठीक है ऊपर बता दो बढ़िया सा फेलिंग विलिंग बिठा देता हूँ। तो देखो यहाँ से अब चेन अगर आपको कराना है एल्डिहाइड का, तो बढ़िया से अब चेन करा दो, वही वाली ऑक्सीकरण करा दो, किसकी उपस्थिति में, दुर्बल अपक्षारक PCC, ठीक है PCC या कुछ और ले सकते हैं, ठीक है इसके अंदर चला जाएगा, ये बना लेगा CH3COOH, बन गया ना, ठीक है। तो देखो ये सब आपके रिएक्शंस हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस हो रही है, अब बड़ी बड़ी नहीं हो रही, बट अब थोड़ा सा बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चलेंगे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे इसकी। ये तो हो गया किसके साथ में, सीधे आप चेंज कर दो, ठीक है रिएक्शन नंबर 12, ये 11 थी, रिएक्शन नंबर 12 है क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, ठीक है क्लोरोफॉर्म
से अभिक्रिया, ठीक है, हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन इसकी। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया अगर हम कराएं तो जैसे कि CH3CHO और यहाँ पर CHCl3, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीटोन, यहाँ KOH। अब भैया ये क्लोरीटोन किस तरीके से बनाएंगे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ एसीटोन लोगे ज़्यादा मजा आएगा, एसीटोन, ठीक है, जल्दी रिएक्शन भी होगी, समझ में भी आएगा और एसीटोन वाली पूछता भी है, ठीक है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन, क्लोरीटोन बनेगा CH3, चुपचाप ऐसे लिख लो, एसीटोन ही है, एसीटोन बोले तो कीटोन, ठीक है, डाई मेथिल कीटोन बोलो या एसीटोन बोलो, है नहीं, बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये चुपचाप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका सी और सी के साथ में CCl3, ओके। यहाँ से बोले गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, एक तो बचो ये H, ये O, तो OH बन गया, ठीक है, और ये चुपचाप लग गया, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं? क्लोरीटोन, ठीक है, लिख लीजिएगा बढ़िया से, एसीटोन से बनेगा क्लोरीटोन, तो एसीटोन से बना सकते हैं क्लोरीटोन, यानी बढ़िया से क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करा के, कोई दिक्कत। चले अब थोड़ा सा बड़ी बड़ी भी चलते हैं, बड़ी बड़ी भी मतलब कि अब हम पढ़ेंगे बेंजल डिहाइड को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रयोगशाला में बेंजल डिहाइड कैसे बनाया था, कभी कभी पूछ लिया जाता है नहीं, बेंजल डिहाइड, अभी तक तो नॉर्मली हम एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, अभी कभी कभी पूछा गया बेंजल डिहाइड की प्रयोगशाला भी थी, तो बीच में डाल दीजिए हेडिंग एक बढ़िया सी, बेंजल डिहाइड, है नहीं, बेंजल डिहाइड, ओके। एसीटोन को थोड़ा सा देख लीजिए, गैसों से मिल जाएगा एसीटोन, तो वैसे ही बेंजल डिहाइड भी, देखो बेंजल डिहाइड को अगर बनाना तो बेंजल क्लोराइड से बनाते हैं, किससे, बेंजल क्लोराइड से। बोले गुरुजी बेंजल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो दो अणु लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2C6H5, ठीक है, C6H5 और CH2Cl, ये हो गया बेंजल क्लोराइड, क्या हो गया ये, बेंजल क्लोराइड। अगर बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवा दें क्यूपरिक कॉपर नाइट्रेट से, सीधे बोलो कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, गर्म करेंगे यहाँ पर सीधे डेल्टा, ठीक है, और ये CO2 की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर दो अणु एल्डिहाइड के प्राप्त करते हैं, वो भी कौन से एल्डिहाइड के, बेंजल डिहाइड के, C6H5CH2, ये बेंजल डिहाइड के दो अणु निकल गए, ठीक है, और बस आपका मिल जाता है CuCl2, ठीक है, और कुछ मात्रा में आपका HCl भी यहाँ पर निकलता है, HCl निकलता है, HCl नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HNO2, तो 2HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल, क्या बनेगा, 2HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल, ओके, दिख भी रहा है इसमें, 2HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल, बहुत कम दिख रहा है उधर, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाला पद मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 2HNO2, बोले तो नाइट्रस एसिड बनेगा, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद में हम इसकी रोजेनमोंड रिएक्शन देख लेते हैं, रोजेनमोंड अभिक्रिया, मतलब कि हम इसको इस रिएक्शन से भी बना सकते हैं और रोजेनमोंड अभिक्रिया से भी बना सकते हैं। अगर रोजेनमोंड अभिक्रिया में आपको पता होगा कि एस्टिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, ठीक है, C6H5COCl, रोजेनमोंड अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन कुछ नहीं, हाइड्रोजन जुड़ेगी, अब चेन कराना है, PD की उपस्थिति रखनी है, किसकी, PD की, विस का काम BaSO4 करेगा, ठीक, PD उप्रेरक है, यहाँ से HCl एक H इसके साथ निकल जाएगा, HCl बाहर चला गया, HCl अगर बाहर चला गया तो एक H जो बचा उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से बन जाएगा बेंजीन रिंग, इसकी खोपड़ी पे CHO, ठीक है, C6H5CHO, ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड, ठीक। अगर हम बेंजल डिहाइड के औद्योगिक निर्माण की बात करें तो प्रयोगशाला विधि थी, ठीक है, अगर औद्योगिक निर्माण की बात करें तो इसको टालुइन से इसका औद्योगिक निर्माण किया था, तो लिखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड IMM, इंडस्ट्रियल मेथड, अच्छा इंडस्ट्रियल मेथड में इसको टालुइन की सहायता से बनाया जाता है, टालुइन आपके गुरु जी है, टालुइन क्या होता है, देखो भैया अगर बेंजीन रिंग की खोपड़िया पे लग जाए CH3 तो उसको क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं, ठीक है, अब टालुइन की रिएक्शन करा दे, कुछ नहीं, बस दो ही नवजात ऑक्सीजन ले लेना, यही अंदर जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पर बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि MnO2, ठीक है, और MnO2 के साथ में थोड़ा सा लेते हैं H2SO4, ये बवाला इस पे रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आपको रखना पड़ेगा, है नहीं, तो बढ़िया से कुछ नहीं होगा कि यहाँ से होगा क्या, बढ़िया क्या कुछ बन जा
हाँ बिल्कुल, यहाँ से दो हाइड्रोजन इसको लेकर भाग जाएंगे, एक ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाएगा, दो हाइड्रोजन निकलेंगे एक ऑक्सीजन अंदर जाएगा, मतलब सीधी बात है कि अगर वहाँ से दो हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एक कार्बन बचेगा और एक हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से जा ही रहा है, तो बन जाएगा CHO। क्या बन जाएगा? CHO, ठीक है। उसके बाद में बात करें, दो हाइड्रोजन वहाँ से रवाना हुए थे, एक O को लेकर चले जाएंगे तो बन जाएगा H2O। भैया ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब हम बात कर लें बेंजल्डिहाइड के रिएक्शंस की, कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं, है नी। तो चलो सबसे पहले करवाएंगे रिएक्शन फेलिंग विलयन के साथ। अब एल्डिहाइड है तो फेलिंग विलयन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, बट फिर भी जल्दी जल्दी कर देते हैं, है नी। इसमें जाता क्या है, देखो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और ये हो गया CHO, है नी। रिएक्शन करवानी है CuO के साथ में, दो ले लो, एक से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये बनाएगा Cu2, हमेशा क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा Cu2O, ठीक है। एक O वहाँ चला गया, एक O इसमें जाके निपट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका C6H5 C2O बेंजोइक एसिड। देखो बेंजल्डिहाइड करवाओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर ले मान लो टोलिन, या टोलिन भी ऐसे ही करेगा यार, छोड़ो, ठीक है, फर्जी में बार बार करोगे फ़ायदा क्या है नहीं। क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, है नहीं, देखो क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, अगर इसको रेफर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, अगर यहाँ पर तुम Cl2 से इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है, Cl2 से, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। क्या करता है, यहाँ पर बना देता है आपका CH3, बढ़िया से देखो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस पर रहेगा COCl बना देगा बेंजिल क्लोराइड। क्या बना देगा? बेंजिल क्लोराइड। और बोले एक एच कहाँ गया गुरुजी, तो एक एच यहाँ जो था वो इसके साथ रवाना होकर Cl लेकर नहीं चला जाएगा, HCl, ये आपका क्या बन गया? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रीकरण वगैरह अगर हम देख लें इसकी रिएक्शंस में, नाइट्रीकरण, ठीक है, जैसे ये नाइट्रीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा CHO। नाइट्रीकरण बोले तो HNO3 से रिएक्शन, HNO3 से रिएक्शन कैसे कराई जाती है आपको मालूम है, NH को अलग कर लिया जाता है और NO2 को अलग कर लिया जाता है, ठीक है, ये हो गई HNO3 से रिएक्शन। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो मेटा वाला ही बनते हैं, कोई भी पैरा वाला नहीं बनता, यानी कि यहाँ मेटा से हाइड्रोजन गायब होगा, ठीक है, इसके साथ में निकलेगा, यानी इसके साथ में, ओके, यहाँ से HNO3 होता है ना, हाँ, यहाँ पर एक काम करो HNN तो एक ही रहता है यार, या O ले लो, है नहीं, आप समझ गए, ठीक। तो ये इससे निकल जाएगा, यहाँ पर जल, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका नया उत्पाद CHO, और मेटा पोजिशन पर लगेगा NO2, तो हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अगर सल्फोनीकरण कराओगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, मान लो यहाँ पर होता, यहीं पर इसकी जगह पर अगर ले लेते यहाँ पे प्लस में OH और HSO3, ठीक है, OH HSO3, तो क्या है कि यहाँ से ये निकलता और इसके साथ में क्या बनाता, जल बाहर निकल जाता और उत्पाद क्या बनता, यहाँ ध्यान समझ सकते हो, उत्पाद बनता यहाँ पर आपका CHO और यहाँ मेटा पे हो जाता HSO3, ठीक है। तो इसको हम कहते मेटा सल्फोनिक अम्ल, नहीं, हाँ, मेटा सल्फोनिक अम्ल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, मेटा सल्फोनिक अम्ल बेंजल्डिहाइड। तो ये आपके बन गए, ठीक है, ये होगा आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के उपयोग, फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग, कीटोन्स के उपयोग, ये सब आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कठिन चीज़ें हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम कल की क्लास में जो नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एक बड़ा, ठीक है, टॉपिक अलग है, वो इससे रिलेटेड नहीं, उसकी रिएक्शंस भी थोड़ा सा इससे हट करें, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कल नया वीडियो लेकर आएंगे, आप उसको बढ़िया से वॉच करिएगा और बाकी सभी को शेयर करिएगा। आज जो आपके लिए वीडियो था इतना ही था, ठीक है, मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बढ़िया से पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय।